अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना ये हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी। मेरी उम्र के किसी भी नौजवान का सपना होगा कि आपको आपकी पहली फिल्म में तीन तीन लड़कियों को रोमांस करने का मौका मिले। मैं हूं तेरी हीर, तू है मेरा डांडिया। हाय, कैसे लगा बहू के हाथ का खाना? क्या हुआ जी? और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी फिल्म देखें और इसे अप्रिशिएट करें। जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं और जो मुझे आप लोगों से जानकारी मिल रही है, फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। आई थिंक आज अक्रॉस इंडिया सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं और जहाँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो मेरे जैसे न्यू कमर के लिए पहले ही प्रोजेक्ट में, आपके डेब्यू प्रोजेक्ट में आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। अभी भी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जिस तरह का एक्साइटमेंट लोगों में है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत इनकरेजिंग है। कौन सी फिल्म देख रहे हो? दो दो चार चार बार देखे। मेरे लिए तो ये सपना था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन मूवीज। अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना ये हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी और आज 4 नवंबर को सपना मेरा पूरा हुआ है। मेरी उम्र के किसी भी नौजवान का सपना होगा कि आपको आपकी पहली फिल्म में तीन तीन लड़कियों को रोमांस करने का मौका मिले, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। एंड तीनों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, तीनों बहुत खूबसूरत हैं और उससे ज़्यादा बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं तीनों की तीनों। सो और तीनों मुझसे सीनियर हैं, तो इनके साथ काम करना ना सिर्फ अच्छा लगा बल्कि इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला और सेट पे मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सब से, जो कि आई थिंक भविष्य में एज एन एक्टर मुझे बहुत काम आएगा। मैं हूं तेरी हीर, तू है मेरा डांडिया। हाय, कैसे लगा बहू के हाथ का खाना? क्या हुआ जी? ये बहुत इनकरेजिंग है जो आप बात बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कल भी जिस तरह से प्रीमियर हुआ, प्रीमियर पे जिस तरह से लोग आए, स्मिता ठाकरे जी आई और भी इंडस्ट्री के काफ़ी बहुत वरिष्ठ लोग आए और आके उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जावेद साहब, सवाना जी वगैरह सब लोगों ने आके मेरे काम को पर्सनली बहुत सराहा है और डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इस तरह का अच्छा काम करता रहूँ और लोगों को एंटरटेन करता रहूँ। बिल्कुल मेरा भी मानना यही है, राजनीति और फिल्मों में सबसे बड़ी सामान्यता ये है कि आपका मासेस के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, भले राजनीति में वो आपके वोटर्स के नाते हो या मूवीज़ में आपके ऑडियंस के नाते हो। जहाँ तक रही बात राजनीति की, राजनीति मेरी रगों में बहती है, मैं कभी उससे दूर था नहीं, ना कभी हो सकता हूँ। 15-20 रोज़ मेरे साथ गुजारने की क्या कीमत लोगी तुम? 20 लाख रुपए। 20 लाख 20 दिन के लिए? पर डे। यहाँ पे आके टिकट बेचने का ये पहली बार एक एक्सपीरियंस है। मैं इसको प्रमोशनल स्ट्रेटजी नहीं बल्कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ मासेज में, जाऊँ लोगों के बीच जाके 1-to-1 उनका रिस्पांस, उनका रिएक्शन जानूँ, जो कि मुझे एज एन एक्टर इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा। तो यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ वो था, प्रमोशन ज़रूर नहीं था, बट अगर इस बहाने प्रमोशन हो रहा है तो डेफिनेटली मेरी फिल्म को और मदद मिलेगी और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फिल्म देखें और इसे अप्रिशिएट करें। मिले ना मिले हम, मिले ना मिले।